जहां एक ओर उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, वहीं कानपुर के दक्षिण में बीते 8 अक्टूबर को एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया और उसी घटने से पीड़ित भी सदमे में। आपको बता दें, बीते 8 अक्टूबर को समय तकरीबन 4 बजे के पास एक व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो पीड़ित के लाल रंग के थार के सामने आकर रुकती है और उस गाड़ी से एक व्यक्ति निकलता है, उसने सीधा एक फायर झोंक दिया इसका थार सवार व्यक्ति के ऊपर। आपको बता दें, इस घटना में थार सवार व्यक्ति तो बच गया, लेकिन उस घटना से लगातार उक्त दबंग व्यक्ति पीड़ित को धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है और धमकी मात्र 10 लाख रुपए की वसूली के लिए। आइए चलते पूरी कहानी की ओर, जो सुनते हैं सीधा पीड़ित की जुबानी से। क्या नाम है आपका? राहुल पटेल। क्या घटना हुई थी आपके साथ? मैं समाधि पुलिया से अपने ऑफिस की ओर जा रहा था, राधापुरम की तरफ। गल्ला मंडी स्थित मेट्रो यार्ड है, वहां पे मेरी गाड़ी के आगे अचानक से एक व्हाइट कलर स्कॉर्पियो आती है, जिसमें से एक व्यक्ति लहराते हुए पिस्टल लेके मेरे सामने गाड़ी में फायर करता है। फायर करने के बाद गाड़ी लेके वो भाग जाते हैं। उसके बाद मैंने 112 नंबर डायल किया, जिससे स्थानीय पुलिस आई वहां पे और कार्रवाई करी। उसके बाद मुझको और मेरी गाड़ी को हनुमंत विहार थाने लेके जाया गया। वहां पे मुझसे बयान कराए गए, पूछा गया कैसा क्या है, तो उसमें जानकारी ये मिली कि गोपाल सचान नामक व्यक्ति मुझको 2-3 दिन पहले कॉल किया था, जो कि 10 लाख रुपए की फिरौती मुझसे मांग रहा था। मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, मेरा ऑफिस राधापुरम नियर त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के पीछे माँ अम्बे प्रॉपर्टी नाम से है, मैं डुप्लेक्स बनाकर बेचता हूँ। FIR लिखने के बाद मुझे आश्वासन दिया गया कि अपराधी जल्द ही पकड़ा जाएगा, लेकिन 3 दिन हो गए, अपराधी अभी पकड़ा नहीं गया और लगातार मुझे कॉल करके धमकी दिया जा रहा है कि अगली गोली तुमको छाती में पड़ेगी और नहीं तो पैसा पहुंचा देना। इस तरीके के कॉल आ रहे हैं, उसके बाद भी अपराधी खुलेआम घूम रहा है, इंस्टा में लाइव भी आ रहा है, अपने नंबर से कॉल, पर्सनल नंबर से कॉल भी कर रहा है, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक हुई नहीं है। पुलिस कार्रवाई कर तो रही है सर, लेकिन 3 दिन बीत गए, 3 दिन होने के बावजूद भी अपराधी पकड़ा नहीं गया। धमकी देने के बाद मैंने विनीत जी हैं हनुमंत विहार थाने में, जो कि मुआयना में थे मौके में, उनको मैंने कॉल करी। मैंने बताया कि सर ऐसी सी बात है, इस नंबर से मुझको कॉल आ रहा और ये धमकी दी जा रही है। मैंने उनको नंबर नोट करवाया जिस नंबर से कॉल आया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं कैसा क्या है और जल्द ही अपराधी पकड़ा जाएगा। मैं कमिश्नर साहब के यहाँ जाकर एक अप्लीकेशन देना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मुझे सुरक्षा प्रदान करी जाए, क्योंकि जो आदमी खुलेआम मुझको बीच रोड में गोली मार सकता है सामने से, तो वो घर में भी मार सकता है, कभी भी मार सकता है। तो ये थे हमारे साथ राहुल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उक्त घटना के बाद से ये बेहद सदमे में है और लगातार जो व्यक्ति है इनको धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, और इस घटना के सापेक्ष वो उच्च अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार की मांग भी करेंगे।